भैया रुको, सुनो तो। अरे अरे क्या हुआ? अरे भैया देखो ना, उन भैया का बैग यहाँ पे रह गया। बैग? देखते इस बैग में क्या है। इतने सारे पैसे, आज तो हमारा दिन बन गया। सुबह सुबह इतने सारे पैसे मिल गए। नहीं भैया, ये पैसे उन भैया के हैं, हमें उन्हें वापस करने चाहिए। अरे बहन, ये हमारे पैसे हैं, हमें मिले हैं ना, तो हमारे हुए। नहीं, ये हमारे कैसे हुए? ये जिनके, उन्हें वापस मिलने चाहिए, हम इन्हें नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब तो वो चले गए, हमें उनका पता कैसे पता चलेगा? इस बैग में देखो अगर कुछ होगा तो। ठीक, हाँ वो, अरे उसमें तो इनका आधार कार्ड है। एक मिनट, चलो हम उनके एड्रेस पे पैसे लेके आते हैं। ठीक है चलो। हाँ जी बोलिए। भैया हमें बैग मिला था, ये हमें वापस देना है। जिनका भी बैग आप उन्हें एक बार मिलवा दीजिए। साहब तो अभी बिजी हैं, ये बैग मुझे दे दो। पर इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ तो साहब के बैग में पैसे होते हैं, मुझे पता है। लाओ मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगा बैग। पर भैया। अरे दे दो भाई, अब खड़े क्यों हो, जाओ ना। आपका बैग। तो ये बैग, ये तो मैंने पूरे घर में और ऑफिस में चार बार आया पर मिला ही नहीं था। तुझे कहाँ से मिला? सब कोई बाहर देने आया था। अच्छा, इसमें तो पैसे भी थे, पैसे कहाँ? अब मुझे नहीं पता, जरूर उन्होंने ही चुराए होंगे। कैसी बात कर रहे हैं, अगर उसको पैसे चुराने आते तो पर्स वापस देने थोड़ी ना आता। साहब हो सकता है इसलिए देकर गए हो ताकि उन पर शक ना जाए, और मुझे तो वो शक्ल से ही चोर लग रहे थे। चल कोई नहीं, पैसे गए तो गए, मेरे कार्ड और डॉक्यूमेंट तो है इसमें। ठीक है चल जा। जी साहब। कितने हो गए? अरे साहब आपको ये बैग मिल गया। मिल गया? तुम्हें कैसे पता कि मेरा बैग खो गया था? आज सुबह जब आप हमारी दुकान पर आए थे तो ये बैग आप यहीं भूल गए थे। मेरी बहन ने आपको आवाज भी लगाई पर आपने सुनी नहीं, आप जल्दी में थे। हाँ सुबह में जल्दी नहीं था। हमने आपका बैग चेक किया था तो उसमें आपका आधार कार्ड निकला था, तो वो पता देखकर ये बैग हम आपके घर पर देके आ गए थे, आपका नौकर मिला था। वैसे तुम बहुत तेज हो ना, पैसे निकाल कर पर्स वापस दे दिए। पैसे निकाल कर? नहीं साहब, हमने कोई पैसे नहीं निकाले, ये बैग हम आपके पते पर वैसे ही दे आए थे जैसे हमें मिला था। और आपका नौकर था, हमने उनको कहा भी था कि इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं और हमें साहब से मिलवा दे बैग, हमें उनको ही देना है। वो बोला साहब अभी बिजी है, आपसे नहीं मिल सकते, तो हमें लगा वो आपको बैग दे देगा। ये बैग हम उन्हें दे के आ गए। साहब हमने कोई पैसे नहीं निकाले, मेरे मन में एक बार आया तो था कि ये पैसे हम रख ले, पर मेरी बहन ने बोला ये पैसे किसी और के, हम ये पैसे नहीं रख सकते। जी साहब, जो बैग में पैसे थे वो कहाँ है? साहब मुझे क्या पता होगा भला, वो लोग मुझे खाली बैग देकर गए थे, वो मैंने आपको दे दिया था, और मैंने आपको बताया तो था कि उन्होंने ही लिए होंगे पैसे। ठीक है उनसे पूछ लेते हैं, अंदर आना एक बार। यही थे? जी साहब यही थे। बताना एक बार इनको जरा। सर ये झूठ बोल रहे हैं, हमने इन्हें पैसे और पर्स दोनों दिए थे, सच सच क्यों नहीं बता रहे कि आपने ही लिए पैसे? अरे मैं पैसे क्यों लूंगा भला? 500 सच सच बता दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बताता हूँ साहब, वो इतने पैसे देखकर ना मुझे लालच आ गया था और वो मैंने रख लिए, मुझे लगा आपको पता ही नहीं चलेगा और इल्ज़ाम इन पर लगा दिया। तुझे शर्म नहीं आती? इनकी ईमानदारी को तूने बेईमानी में बदल दिया। मुझे माफ़ कर दो साहब। चुपचाप जो पैसे लिए ना उसे यहाँ रख दे,
और निकल जाए यहां से। थैंक यू डा। अच्छा आप स्कूल नहीं जाते? जाती थी साहब, लेकिन स्कूल की फीस ना भरने के कारण स्कूल वालों ने इसे निकाल दिया। मैं तो इतना ही कमा पाता हूँ कि अपने घर का किराया दे सकूँ, दो टाइम का खाना खा सकूँ। तुम चिंता मत करो, अब से इसकी स्कूल की फीस और स्कूल का सारा खर्चा मैं तुम्हें दिया करूँगा। सच में साहब? हाँ, ये बच्ची अभी से इतनी समझदार और ईमानदार है तो आगे जाके अगर ये पढ़ेगी लिखेगी तो देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगी, है ना बेटा जी? थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।